तो पिवट टेबल की जो कुछ छोटे मोटे पार्ट्स है ना, उसपे हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके साथ जो है यहाँ एक डेटा दिख रहा होगा, मुझे इसी डेटा के ऊपर पिवट टेबल लगाना है। तो चलिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने लिया और पिवट टेबल लगा दिया। ठीक है, पिवट टेबल लगाने के बाद मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है, सिटी को हमने फिल्टर में रख दिया है, और फिर यहाँ पे जैन फैर मार्च का जो सम जो है यहाँ पे हमने सम कर दिया। ठीक है, रिपोर्ट बन गई। आप इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी लगा सकते हैं ना, और रिपोर्ट का फिल्टर वगैरह कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो बनी है, इसमें कई सारे सिटीज आप देख रहे हैं, सिटीज का रिपोर्ट है। मैं पुणे क्लिक करता हूँ तो हमारा पुणे का रिपोर्ट आपको दिख जाता है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ नोएडा, तो नोएडा का रिपोर्ट दिख जाता है। मैं सिलेक्ट करता हूँ पटना, तो पटना का रिपोर्ट दिख जाता है। दिख जाता है मैम? यस लेकिन सर। मुझे क्या करना है कि इन जितने भी सिटी है ना, सबका अलग अलग सीट पे रिपोर्ट बनानी है। वन सिटी वन सीट, ओके। तो मान लीजिए 10 सिटी है, तो आपको 10 पिवट टेबल बनाने पड़ेंगे। हर पिवट टेबल में जाके उसकी सिटी को मुझे क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मेट करने पड़ेंगे, फिर उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अगर 10 पीस है तो काफी दिक्कत हो जाती है बनाने में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पिवट टेबल के एनालाइज में और जाते हैं ऑप्शंस में। इसके जाने से पहले, जिसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सीट पे रिपोर्ट बनानी है, उस फील्ड को आप रख दीजिएगा फिल्टर में, ये जरूरी है। फिर आपको पिवट टेबल एनालाइज के अंदर ये जो सबसे पहला यहाँ दिख रहा है ऑप्शंस, इस ऑप्शंस में मैं दिख रहा आपको शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज पे जाइए, अपने सिटी को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। विथ इन क्लिक में आप देखिए यहाँ पुणे आ गया, दिल्ली आ गया, नोएडा, कानपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, जयपुर, रायपुर, उदयपुर, दिख रहा है, समझे? यस सर। समझे? यस सर। इस तरह करके अब आगे बढ़ते इसमें। अब इसमें इस डेटा में एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है। जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो जैसे देखिए, इस पूरे साल का डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मंथली डेटा मिलते जाते हैं, उस पर रिपोर्ट बनाते जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल मुझे जैन एंड फैब का डेटा मिल गया, और डेली बेसिस मिलता है तो नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट भी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब पिवट टेबल में आप जाते हैं और पिवट टेबल पे क्लिक करके ओके करते हैं, ठीक है, पिवट टेबल लग गया, इसमें आपने सिटी दे दिया, यहां से नेम है सिटी जो देना है, दे के रिपोर्ट आपने बना लिया। अब डेटा के अंदर जो आपकी डेटा शीट है, उसके अंदर अगर मान लीजिए कि कोई चेंज होती है, तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो गया, यहाँ देखिए चेंज हो गया ना, इससे पहले क्या था, 340944 था, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया ये हो गया 341524, चेंज हो गया। लेकिन अगर हम कुछ नीचे ऐड करते, जैसे यहाँ पे मैं 71 ऐड कर दिया, या यहाँ पे कुणाल के जगह पे नमन लिख देता हूँ, और पटना अमाउंट डाल दिया, अब मेरे रिपोर्ट में यहाँ पे देखिए नमन का नाम नहीं है, नहीं है, रिफ्रेश करने पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पिवट लगाया था तो मेरी सिलेक्शन क्या थी, 791 थी, हमने डेटा डेटा डाला है। तो कहने का मतलब है कि पिवट टेबल आपके डेटा के अकॉर्डिंग
अपना डेटा चेंज नहीं करता है, तो कैसे करें? तो आपको क्या करना होगा इसको अपडेट करने के लिए, आपको पिवट टेबल एनालाइज के अंदर ये आपको दिख रहा होगा चेंज डेटा सोर्स, इस पे जाके क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है इसको पूरे को, देन ओके। अब आ गया नमन करेगा, समझे? यस। अब क्वेश्चन आता है तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? हम मेरा मान लीजिए कि मेरा एक काम और करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल के ऊपर, मेरा डेटा कहीं और पड़ा हुआ है किसी और फाइल में, किसी और जगह लोकेशन पे, और पिवट में कहीं और लगाना चाहता हूं, ठीक है? तो यहाँ डेटा के अंदर हम आते, सॉरी डेटा माफ कीजिएगा, यहाँ इसी के अंदर पिवट टेबल के अंदर ही यहाँ दिख रहा होगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल डेटा सोर्स क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है चूज कनेक्शन, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो होगा रिसेंटली जो आपने यूज किया उसका लिस्ट आएगा, आपको ब्राउज फुल मोड पे जाके उस पर्टिकुलर एक्सेल या एक्सेस की फाइल या जो भी फाइल सपोर्ट करती है उसको सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूं एक्सेल की फाइल, ठीक है? डेटा वन था हमारा, डेटा वन हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? और इसको करता हूं ओपन। अब डेटा वन में बहुत सारे शीट्स थे, अब मुझे सारे शीट्स को तो नहीं लगा सकता क्योंकि एक पिवट आपके किसी एक ही डेटा के ऊपर लगेगा, मल्टीपल डेटा के ऊपर नहीं लगेगा। इसको सेलेक्ट किया, देन ओके, रिजल्ट आपके सामने, समझे? क्लियर है? एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। देखिए लग गया ना सर, इसका रॉ डेटा तो उसी फाइल में होगा ना, मतलब सिर्फ पिवट टेबल यहाँ लगा है। हमने सिर्फ पिवट ले गया है। पता है इसका एक और बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई डंप फाइल होती है बड़ी, जो 500-700 एमबी की होती है, जब भी आप खोलते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन परसेंटेज दिखाता है और हर बार स्लो परफॉर्म करता है, कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लेता है ना, क्या ऐसा फाइल है आपके पास ऑफिस में? सर ऐसी भी फाइल है ऑफिस में आपकी? कई बारी कोई स्टक होती है फाइल, नहीं कोई फाइल तो कभी कभी स्टक होती है, उसका कारण कुछ और होता है, लेकिन जैसे कि बहुत बड़ी हैवी फाइल है, हम लोगों की होती थी सेल्स फाइल, जैसे कि हर दिन जो था 7,000-8,000 का डेटा होता था, सेल होता था। अब शुरुआत में तो बहुत स्लो होती थी, इसी होती थी, महीने के एंड में जाते जाते वो चल जाती थी करीब 1-1.5 लाख तक पहुंच जाती थी, और ईयरली तो ज्यादा हो जाता था, ईयरली तो एक साल में आता भी नहीं था। तो ऐसे फाइल को जब ओपन करते थे ना तो बड़ा टाइम लेता था, मैं उस पर काम करने का मूड ही नहीं करता था, इतना स्लो चलता था। लेकिन एक्चुअली हमें करना क्या होता था, उससे पिवट ही निकालना होता था ना रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, तो हम लोग क्या करते थे एक्सटर्नल कर लेते थे कि हम किसी और फाइल में उसको पिवट लगा लिए। पिवट लगाते समय जो प्रॉब्लम होती थी ना, बस वही होती थी राजगढ़, मैं पिवट लगाते समय जो प्रॉब्लम हुआ वही हुआ, उसके बाद अब जैसे यहाँ पे हमको चेंज करना है तो वो दिक्कत नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं क्वांटिटी को हटा के MRP डालना है, कुछ और डालना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था, क्योंकि एक बार डेटा कनेक्ट हो गया तो हो गया, समझे? जैसे मंथ को मैंने कॉलम में रख दिया,
तो ऐसी सीओ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती थी और फाइल बड़ी स्मूथ चलती थी। पहली प्रॉब्लम, पहली बेनिफिट तो ये थी। दूसरी बेनिफिट ये होती है कि आपका कोई डेटा है जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि आप ऐसा नहीं चाहते कोई हर कोई डेटा को एक्सेस करे और उसको डिलीट सिलेक्ट कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वो बोलेगा कि भाई मुझे रिपोर्ट बनानी है डेटा का, दे दे। तुम क्या करोगे? आप क्या करेंगे कि इसको पिवट में लगा के भेज दीजिए, उसे आपका ओरिजिनल डेटा के छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा मैम। और जाहिर सी बात है पिवट अपने साथ डेटा कैरी करता है, आपने फाइल भेज दिया तो फिर डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन जो पिवट का करना हो करेगा, क्योंकि पिवट आपने लगा के ऑलरेडी भेज दिया, बस रिफ्रेश ही तो नहीं होगा ना, समझे? एक बार मुझे ऑफिस से डेटा बाहर निकालना था, समझे, और आईटी वाले से लगी शर्त कि तुम कोई भी डेटा बाहर नहीं निकाल सकते, मैं डेटा बाहर निकाल दूंगा, आप चेक करके भी उसको इग्नोर कर देंगे, तो ठीक है। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने एक्सटर्नल पिवट टेबल की मदद से पिवट लगा दी, ठीक है, पिवट लगा दी, इसको यहां से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, बस इतना सा छोटा रखा, इसको डिलीट कर दिया और इसको कर दिया, इसको नीचे जाकर लगा दिया, बहुत नीचे जाकर लगा दिया, हाइड कर दिया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक हैप्पी बर्थडे या एक फेस्टिवल था, न्यूयर था, उसका एक ये बना दिया, पंपलेट बना दिया, बना के भेज दिया। आईटी टीम ने चेक किया, बोला कि तो ऐसे ही ग्रीटिंग कार्ड वगैरह है, और इन्होंने उसको बाईपास कर दिया, उसको पता ही नहीं चला कि इस डेटा के अंदर पिवट के फॉर्म में डेटा हुआ है। ये डेटा जिसके पास गया उसने क्या किया, इसको अनहाइड किया, अनहाइड किया और इस पर डबल क्लिक कर दिया, पूरा डेटा आ गया, समझे मैम? राइट। तो इस तरह से चीजें भी कर सकते हैं। और इससे एक और फायदा होता है, जैसे कि नॉर्मल डेटा फाइल आपकी अगर मान लो 500 MB की है और इस तरह के आप करके जाते हैं तो आपकी फाइल हो जाएगी बहुत ही कम, समझे? एक्सटर्नल पिवट टेबल की तरीका, लेकिन एक्सटर्नल पिवट टेबल में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि आपको बार बार दूसरे फाइल से लिंक करना होता है, तो इसके अगर दूसरे फाइल से लिंक नहीं कर, क्योंकि अगर दूसरे फाइल से आप लिंक करते हैं, जैसे बुक टू को किसी से लिंक किया तो फाइल किसी को भेजते हैं तो फिर उसे ही से वर्क डेटा उसके साथ लिंक नहीं रहता है। तो आपको सिर्फ डेटा, सिर्फ रिपोर्ट भेजनी हो तो ठीक है ना, आपको डेटा रिपोर्ट दोनों भेजनी हो और डेटा अपडेट हो तो रिपोर्ट भी अपडेट हो, ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए तो सही नहीं है ना एक्सटर्नल पिवट टेबल, क्योंकि वो फिर वो लोकेशन ले रहा है ना, डेस्कटॉप ले लिया मेरा, तो मेरा डेस्कटॉप का पाथ कुछ और है, किसी और डेस्कटॉप का पाथ कुछ और होगा, क्या? यस सर, दिक्कत इंडिविजुअली ठीक है। तो उस केस में हम लोग दो काम करते थे, एक तो करते थे कि इसको लगाते थे हम टेबल, इसको टेबल में हम कन्वर्ट कर देते थे, टेबल में कन्वर्ट हो गया, देन इसके ऊपर हम लोग पिवट टेबल लगाते थे, ठीक है। तो टेबल में होने से क्या होता था कि इसने टेबल का पाथ लिया और जैसे आप यहां पे 72 टाइप करेंगे वो टेबल का पार्ट बन जाता है, समझे? और आपको जस्ट यहाँ पिवट में रिफ्रेश, जैसे यहाँ पे नमन का कमी आ रहा है ना, एक तो नमन का यहाँ कमी आ रहा है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, ओके, तो अपने आप चेंज हो जाता है। लेकिन ये टाइपिंग वगैरह करते हैं तो ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये फिर ये यहाँ से मैनुअली आपको जाके टेबल के अंदर डालने होते इस तरह से, समझे? तो टेबल भी जो उतना अच्छा नहीं होता है। और एक और प्रॉब्लम होती है कि आपका कॉलम जो बढ़ता है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं न टेबल चाहता हूं न एक्सटर्नल पिवट चाहता हूं, समझे? न मैं टेबल चाहता हूं न एक्सटर्नल पिवट टेबल चाहता हूं, मैं चाहता हूं ऐसा कुछ हो जो मैं अपने डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना करूं और पिवट इसको कॉलम वाइज भी ले ले और इसको रो वाइज भी ले ले। उस केस में हम लगाते हैं फॉर्मूला
विथ नेमिंग मेथड, कैसे बताता है। हम लगाएंगे यहाँ पे ऑफसेट फॉर्मूला, क्या लगाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट में हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे बोला सॉरी जीरो रो जीरो कॉलम और हाइट जो है यहाँ पे हम काउंट लगा देते हैं, काउंटिंग, और ब्रिथ के अंदर भी हम यहाँ पे काउंट लगा देते हैं। ये क्या करता है, ये आपका ऑफसेट जो है डेट ए बनाता है, ऑफसेट जो आपका है वो एड्रेस बनाता है। मैं इसको सम के अंदर अगर डाल देता हूँ तो आप देखेंगे इस समय, तो आप इसको फॉर्मूला एवलेटिंग में जाके देखेंगे, एवलेट करेंगे फॉर्मूला तो आपके यहाँ दिखेगा। यहाँ देखिए अकाउंट 792 आ गया, ए आ गया। तो ऑफसेट बोला कि ए वन से चलना है जीरो रो एंड जीरो कॉलम, मतलब कि सेम, और इसकी हाइट मतलब कि इसका रो जो होगा 792 होगा, इसका कॉलम जो होगा 5 होगा, समझे। और 792 और 5 जो है वो काउंट ए फॉर्मूले से ऑटोमेटेड है, जितना बढ़ेगा काउंट ए अपने आप को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और जैसे इसको एबलेट करते हैं तो यह आता है ए वन से 792 आ गया, ए वन से समझ गया। लेकिन हम इसको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पिवट भी नहीं लगा सकते, पिवट टेबल किसी फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसको हमें करना होगा डिफाइन नेम। क्या करना होगा डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम में मैंने यहाँ पे डी डी टी के नाम से एक नेम बनाया और उस फॉर्मूले को इक्वल के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कर दिया। अब मुझे कहीं भी पिवट लगाना है, चाहे कहीं भी पिवट लगाना है, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है इसमें। मैं नेम मैनेजर में आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ दिक्कत कर दिया, छोटी सी दिक्कत हो गई है। हमने यहाँ पे हमें ए वन करना था ना, ए वन, और ए वन को हमें करना था फ्रीज, और इसका भी हमने A-Y-A, छोटा सा दिक्कत हो गया इसमें, हमने रिफ्रीज नहीं किया ना, तो एड्रेस को चेंज कर दिया। तो फ्रीज करके ओके करता, अब बेटर है। अब आपको कहीं भी फॉर्म लगाना है पिवट, तो पिवट को यहाँ पे जाइए इंसर्ट में, पिवट टेबल को लीजिए और यहाँ पे डी डी टी लिख दीजिए एंड ओके कर दीजिए, लग गया। अब कल के डेट में आपके डेटा का कॉलम भी चेंज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मार्च का कॉलम आपका आ गया मार्च का कॉलम, और आपका डेटा भी यहाँ पे पेस्ट हो गया और यहाँ मार्च का कॉलम आपका आ गया। तो मार्च का कॉलन आते ही आप देखेंगे आपके पिवट, इसको एक बार जस्ट रिफ्रेश, यहाँ देखिए मार्च नहीं है, जैसे रिफ्रेश करेंगे कि आपके यहाँ मार्च आ जाएगा, तो रो एंड कॉलम दोनों बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए ऑफसेट फॉर्मूला हमने लगाया, ये थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसके जरिए हम पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं अपने रेफरेंस को, और बहुत ही अच्छा है। हालांकि ऑफसेट फॉर्मूला को हम फॉर्मूली क्लासेस में विस्तार रूप से कराएंगे, ठीक है मैम। हेलो बरखा जी, सचिन जी, सुरेंद्र जी, समझ में आया सर? थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा बता देना। क्या दोबारा? एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। फॉर्मूला सिंपल है, आप देखिए आपके सामने तो है, इस सम हटा दीजिए, सम नहीं लगाना आपको, सम तो ऐसे बताने के लिए, समझाने के लिए बोला, ठीक है। आपको लगाना है ऑफसेट ए वन, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, राइट। फिर आपको रो और कॉलम को जीरो कर देना है, दिख रहा है रो एंड कॉलम, दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हाइट में काउंट ए लगा दीजिएगा और कॉलम डेटा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और विड्थ में भी काउंट ए और रो लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इस सारे फॉर्मूले को फ्रीज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा क्या कीजिएगा, फ्रीज कीजिएगा, और फ्रीज करने के बाद आप कॉपी करके डिफाइन नेम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे डिफाइन नेम, और यहाँ पे नाम दीजिए और इक्वल करके उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए, okay।
समझे? yes. थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने फ्रीज नहीं किया था तो रेफरेंस उसने चेंज कर लिया, फ्रीज करने के बाद दिक्कत नहीं हो गया, बस कॉपी पेस्ट कर लिया, समझ गए? yes. अब इसकी ट्राई कीजिए और कल हम आपके साथ स्लाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके? मिलते हैं कल सेम टाइम, और स्लाइसेस करने के बाद फिर हम रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, जैसे ये कॉलम बी में पूजा मोहन कविता ऐसे लिखा हुआ है ये वर्टिकली, अगर मुझे ये पहले पांच नाम जो हैं एक ही सेल में चाहिए तो इसको कंकैटिनेट लगा के अगर मैं करूं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? कौन सा एक्सेल, लेटेस्ट है या पुराना है? लेटेस्ट ही है, तो टेक्स्ट वेल लगा लीजिए ना, और साथ में वो आ जाएगा मतलब कॉमा आ जाएगा। हाँ कॉमा, ये देखिए डिलीमिटर मतलब कि सेपरेटर, ब्लैंक रखना है या नहीं रखना है, और उसके बाद एरिया ले लीजिए। ये तो मैंने आपको आई थिंक बताया था होम मेनू बार के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था ए डेटा फील्ड में जस्टिफाई, शायद उसमें ध्यान नहीं दिया होगा। जस्टिफाई और ये सेम है? नहीं जस्टिफाई सेम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि उसमें स्पेस जस्टिफाई किया ना आपने तो कॉलम आप बड़ा कर दीजिए और फिर जस्टिफाई कीजिए, सबको इकट्ठा एक सेल में कर देता है, जितना कॉलम अट पाएगा उतना डाल देगा, जो जो एक्सेस होगा नीचे डाल। बट इसमें कॉमास नहीं आए ना, इसमें कॉमा नहीं आएंगे, मेरे को जैसे ये ठीक किया था जो एच कॉलम में आपने किया था, टेक्स्ट जॉइन लगाया था ना आपने, आई वाज वांटिंग द डेटा दिस वे ओनली। ठीक, और कुछ? सर थैंक यू, किसी को और कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू।